सो वेलकम बैक टू मॉम्स इन किड्स 24। और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि बच्चों की जीभ क्यों क्लीन करनी चाहिए, जीभ को क्लीन करने का क्या तरीका है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ खाता पीता तो नहीं है, न्यू बॉर्न है, लेकिन स्टिल जब हम उसको दूध फीड कराते हैं तो दूध के पार्टिकल्स उसके जीभ पर जम जाते हैं, उससे इन्फेक्शन होने का बहुत सारा चांस है। लेकिन उसको क्लीन कैसे करना चाहिए, उसको ऐसे ही कोई कपड़ा लेके या टंग पे ऐसे क्लेंस कर देना चाहिए, ये बिल्कुल गलत तरीका है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे जर्म्स एंड बैक्टीरियाज भी हमारे उसके मुंह में जा सकते हैं। और क्लीन करना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बच्चे का माउथ क्लीन नहीं होगा तो जो आप आफ्टर फीड भी करा रहे हैं, मतलब अगर मुँह गंदा है उसके बाद आप फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो वो भी कुछ गंदा ही गंदा जाएगा उसके साथ, इन्फेक्टेड होकर उसके पेट में जाएगा, उसको पेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो उसको इन्फेक्शन क्रिएट कर देगा, पेट में दर्द भी हो सकता है बच्चे के, उससे कोई भी माउथ इन्फेक्शन भी हो सकता है उस ले तो इसलिए बच्चे के टंग पे जो वाइट एक पैच टाइप का जमा हो जाता है उसको क्लेंस करना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले जब भी हम बेबी केयर करते हैं तो हमारे नेल्स कट होने चाहिए। जो मदर केयर कर रही है बच्चे की, तो शी हैज़ टू हैव द कट नेल्स, उसके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, कट नेल्स होने चाहिए और हाथ सॉफ्ट होने चाहिए। यू हैव टू मेक हैंड्स क्लीन एंड मॉइस्चराइज टू। देन उसके बाद क्या चाहिए, जब आप बच्चे को टंग क्लीन करने जा रहे हैं तो आपको वॉश करनी है अपने हैंड्स, जो भी हैंड वॉश यूज़ करते हैं, उसके बाद आपको हैंड सैनिटाइज। सो देखते हैं कि अब कैसे बच्चे के लिए कॉटन स्वैब लेना है। एक कॉटन स्वैब लेना है हमें, और इसका पैकेट आप अलग रख सकते हैं। जो बच्चे के लिए कॉटन यूज़ करते हैं उसको जब आपके हाथ साफ हों तभी उस पैकेट से लें, या फिर कॉटन स्वैब्स आते हैं बने हुए, हमने अपने बच्चे के लिए वही यूज़ करे थे जब छोटा था। अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ये कॉटन के एक पीस से ही बता देती हूँ। ये ऐसे कॉटन का पीस लेना है, उसको आपको पानी में, ये पानी है मेरे पास, ये स्टरलाइज्ड वाटर है, इसको मैंने बॉयल करके ठंडा करा हुआ है। और ये देखिए, थोड़ा सा पानी लेके इस कॉटन को हमें डैम्प कर देना है, जिससे कि इसके फाइबर्स भी सेट हो जाएं, और दूसरा बच्चे के बिल्कुल भी उसको बच्चे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो उससे। और जब ये डैम्प हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तो इसमें हमको यूज़ करना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल, मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ बेसिकली, बच्चे के मालिश के लिए भी, बच्चे को खिलाने अगर कुछ ज़रूरत होती है, क्लेंजिंग, फेस क्लेंज भी कर सकती हैं कोकोनट ऑयल से आप। तो बच्चे को अगर हमें कहीं पे भी क्लीनिंग करनी है तो कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और कोकोनट ऑयल एडिबल होता है तो आप उसके मुँह में आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लें, तो दैट इज़ बेटर देन द नॉर्मल कोकोनट ऑयल। और वो बॉटल आप बिल्कुल अलग रखें जो आप अपने बच्चे के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन सर्दियों में, जैसे कि अभी इस टाइम टाइम चल रहा है सर्दियों का, तो आपको उस टाइम ये बादाम रोगन, ये भी एडिबल होता है बच्चे को। कुछ लोग तो, हम लोग तो जब बच्चे का पेट में थोड़ा सा पॉटी टाइट हो जाती है तब हम दूध में भी मिलाकर उसको देते हैं, तो ये भी 100% एडिबल होता है। ये मेरे पास है, हमदर्द का आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, डाबर का या जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो ब्रांड का प्योर बादाम रोगन ऑयल, दैट इज़ बादाम रोगन, नॉट बादाम तेल वेल जो आते हैं वो नहीं, बादाम रोगन, प्रॉपर बादाम ऑयल, उसको 1 से 2 ड्रॉप आप ले सकते हैं इसके ऊपर, कॉटन स्वैब के ऊपर, और उसकी टंग अच्छे से क्लीन कर देंगे। जैसे मेरे पास ये डमी बेबी है, और ये देखिए, ये मेरे पास एक डमी बेबी है, और इसका माउथ को आप खोलना तो आ ही जाता है जब हम बच्चा पालते हैं तो, और इसका मुंह खोल के अच्छे से उसका टंग साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, बहुत सॉफ्टली, जैसे जैसे हम इसको कॉटन स्वैब को टच करेंगे तो ऑयल उसके ऊपर फैलेगा, उसके टंग के ऊपर फैलेगा, और वहाँ से हम क्लीनिंग कर देंगे। और चाहे तो इससे आप आराम से उसके मसूड़े भी क्लीन कर सकते हैं, उसके गालों के साइड, माउथ में, जहाँ पे भी आपको कुछ लग रहा है कि क्लीन कर देना चाहिए तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑयल फिल्ड है तो आप उसके लिप्स भी आराम से क्लीन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही, तो इसको मॉइस्चराइज भी करेगा और क्लीन भी कर देगा, तो ये इस तरह से बच्चा का माउथ भी क्लीन हो जाएगा। और अब बात करते हैं कि कितनी फ्रीक्वेंसी से हमें बच्चे का माउथ क्लीन करना चाहिए। वैसे तो रोज़ ही क्लीन करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते हैं तो अगले दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम ना लगाएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो बच्चे के टंग पे जमा होता जाएगा वो वाइट पैचेस,
और फिर जब वो जमा हो जाएगा तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा, उसको क्लीन करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो आप कोशिश करें इसको डेली बेसिस पे ही क्लीन करें। बहुत से लोग नहाते वक्त मुंह में उंगली डालकर क्लीन कर देते हैं, वो तरीका सही नहीं है, क्योंकि आपका गंदा पानी, नहाने का पानी, कोई भी पानी उसके मुंह में जाएगा। ऑयल से बच्चे के जब आप क्लीन करेंगे तो कहीं पर भी छिलने कटने का भी डर नहीं रहेगा और मॉइस्चराइजेशन भी हो जाएगा। और ये ऑयल्स कोकोनट ऑयल और बादाम रोगन ऑयल दोनों ऑयल 100% एडिबल हैं, इसलिए बच्चे को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो ये था आज का वीडियो, और मैं हूँ नेहा महेश्वरी, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। बाय।